जगमग करता हुआ गोरेगांव स्टेशन। अब पूरी काया पलट हो चुकी है इसकी। रात 11:15 के करीब, 10 अगस्त शुक्रवार 2018। अब तो यहाँ हार्बर लाइन की भी सुविधा है। हार्बर लाइन की गाड़ी गोरेगांव तक आया करती है। गोरेगांव के बारे में दो चार बातें मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो अब नए मल्टीप्लेक्स बने हैं, गोरेगांव एसवी रोड पे पुलिस स्टेशन के एकदम नज़दीक सम्राट टाकीज तोड़कर सिनेमैक्स कनकिया बिल्डर की तरफ से दो सिनेमा वहाँ सबसे पहले बनाए गए। उसके बाद मॉल भी एसवी रोड पे बहुत ही जल्दी सिटी सेंटर नाम का मॉल गोरेगांव में बन गया और गोरेगांव में ही फिल्मी स्थान स्टूडियो एसवी रोड पर और फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट में स्टेशन से दूर जो एक पूरा जंगल है, बहुत बड़ा स्टूडियो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गोरेगांव से शुरू हुई। गोरेगांव मुंबई का एक खास एरिया है। अब गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर सिद्धार्थ नगर में बहुत सारे फिल्म वालों ने भी अपने ऑफिस बना लिए हैं और पहले से ही किराए पर रहने की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ मौजूद थी और RNP हाईवे गोरेगांव ईस्ट में भी बहुत सारे कलाकार रहे और रहते हैं, जिनमें से आज लोग स्टार भी हैं।